मुंबई और ठाणे शहर के बीच में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य पर्यटन स्थल में से ये एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान वीकेंड एवं पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क अपने घने जंगलों, तितलियों, पक्षियों की आबादी, बाघों की छोटी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको बोअर्स, तेंदुए, लॉयंस, मैकाक, किंगफिशर, तितलियां, फ्लाइंग फॉक्स और सनबर्ड्स की कई अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क में यात्रियों को तकरीबन 2000 साल की प्राचीन कानेरी गुफाएं भी देखने को मिल जाएंगी। यह गुफा यहाँ का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली गुफा को देखने के लिए साल भर में तकरीबन 2 मिलियन से अधिक यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास बताएं तो हमारे देश की आज़ादी से पहले यह नेशनल पार्क का नाम कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। 1974 के साल में यह उद्यान का नाम बदलते हुए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किया गया था और इसके पश्चात 1981 के साल में यह उद्यान को पूर्व प्रधानमंत्री संजय गांधी के नाम से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर महीने तक बारिश के मौसम में यह पार्क बहुत ही लाजवाब दिखता है, क्योंकि हरे भरे जंगल आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव हो सकते हैं। बारिश का मौसम ही इस पार्क को देखने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में घूमना पसंद नहीं करते हैं तो आपको सर्दियों में जरूर आना चाहिए। उस समय यहाँ का तापमान तकरीबन 18 से 20 डिग्री के बीच होता है और उस समय आप कैंपिंग और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का मजा भी ले सकते हैं। अब आपको राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव और वनस्पति की जानकारी बताएं तो यह पार्क 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, यहाँ पे जीव जंतु बहुत ही स्वतंत्रता से घूमते आपको दिखाई देंगे। इस पार्क के अंदर 4 बाघ और 20 शेर निवास करते हैं। इसके अलावा पार्क के घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता सभी के दिल को एक अलग ही अनुभव प्रदान कराता है। अगर यहाँ के मेन अट्रैक्शन की बात करें तो लॉयन सफारी, कानेरी की गुफाएं, टॉय ट्रेन और झील यहाँ पे जरूर देखिए। अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क जाते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की लॉयन सफारी यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखे बिना आपकी यात्रा पूरी तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्क की यात्रा करने वाले लॉयन सफारी जरूर करते दिखाई देते हैं। और अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो कम से कम एक सफारी राइड को एंजॉय करना तो बनता है। तकरीबन 30 मिनट तक चलती यह सफारी आपको पार्क की प्राकृतिक सुंदरता एवं वन्य जीवों को बहुत नजदीक से देखने का मौका देगी। दोस्तों, अगर आपको कानेरी की जानकारी बताएं तो ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक चट्टानों का समूह है, जिसे गुफाओं के शेप में बनाया गया है। आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कानेरी की गुफाओं का प्रवेश द्वार तकरीबन 100 से भी ज्यादा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा और लाजवाब है। ये जगह गुफाओं के साथ साथ शिलालेखों, चित्रों, नक्काशी और प्राचीन मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बेसाल्ट संरचना का प्रदर्शन करती यह गुफाएं तकरीबन पहली से लेकर 10वीं शताब्दी में निर्माण हुई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तुलसी झील और विहार झील नाम की दो कृत्रिम झीलें भी स्थित है। यह नदियां ही उद्यान को मुख्य आकर्षण बनाकर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करती है। इस स्थान पर घूमने वाले यात्री यहाँ बहुत शांति का अनुभव करते हैं और इसी वजह से वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आना पसंद करते हैं। इस झील पर एक पुल भी बनाया गया है, जिस पर से आप झील के पानी में चलती नाव को देख सकते हैं। नौका विहार करना भी आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक भरा एहसास हो सकता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जंगल रानी यानी वैन रानी नाम की बहुत पुरानी टॉय ट्रेन है और यह पुरानी ट्रेन भी स्थान का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तकरीबन 15 मिनट के समय चलती यह ट्रेन की सवारी यात्री को महात्मा गांधी स्मारक की तलहटी में घुमाती है। यह ट्रेन कुछ सुरंगों एवं पुलों को पार करते हुए हिरण पार्क के ऊपर से गुजरती हुई वापस अपने स्थान पर पहुंचती है। दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में तकरीबन 38 सरीसृप प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यह पार्क प्रदूषण से ग्रस्त शहर को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में घूमना पसंद है और आप बारिश का भी मजा साथ साथ लेना चाहते हैं तो एक बार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जरूर घूमें और अपने परिवार के साथ एक आनंददायक पल बिताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।